थोड़ा आसान हो जाए, आसान हो जाए, आसान हो जाए। मोबाइल कोड लग गया। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैंने तेरा फोन कर मना, पानी पानी बोलना, चलो साफ बना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आज कराची चैंपियन उस्ताद हाजी आसफ गुल की छत पे हाजी उस्ताद नहीं है तो निसार शागिर्द तो है ना? हाँ, उस्ताद हाजी आसफ गुल की छत से शो कर रहे हैं। आज अफ्तारी के बाद मैं यहाँ पर आ गया था तो मैंने बोला कि काफ़ी दिन हो गए, महीने गुजर गए, आजी आसफ गुल से कोई मुलाकात नहीं थी, शौक से बिल्कुल कट गए थे। कबूतर इनके माशाल्लाह अभी भी उड़ रहे हैं। ये हैं, तकरीबन 4-5 दिन हुए कबूतर निकाले हुए, आज इनकी नर वाली फील्ड उड़ रही है। तकरीबन कितने कबूतर मारा था जी? कबूतर निकाले 45 कबूतर, 45 कबूतर निकाले, अभी तकरीबन 14-15 कबूतर रह गए। आज ही आसफ गुल बिल्कुल शौक से कट गए थे आखिरी बार चैंपियन बनने के बाद। काफ़ी भाइयों को लग रहा था कि साले शौक नहीं करेंगे, हम खुद सोच रहे थे नहीं करेंगे, लेकिन माशाल्लाह अंदर खाते तैयारी कर रहे थे हाजी साहब और हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई अयूब भाई बैठे हैं, अफ्तारी अजम कर रहे हैं, सिगरेट पी गए जिंदाबाद। आसफ गुल के फर्जंद, क्या नाम है आपका बेटा? सुहान। पूरा नाम बताओ। मुस्तकबिल का चैंपियन। हाँ, आपको भी शौक है कबूतरों का है? अभी आपको इंशाल्लाह आज ही आसफ गुल के कबूतर भी दिखाते हैं जो माशाल्लाह 3 साल से चैंपियन है कराची के, और इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल भी ये छत बड़ी भरपूर फाइट करेगी। तैयारी माशाल्लाह अच्छी है। और ये हमारे हबीब भाई जो इस छत की रीढ़ की हड्डी हैं, माशाल्लाह सब भाई मिलकर आपस में शौक करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, और इनकी कामयाबी का राज यही है कि मेहनत बहुत है इस छत पे। कबूतर अच्छे हैं, कबूतर दुनिया के पास अच्छे हैं, लेकिन इनकी मेहनत बहुत अच्छी है। मैं तकरीबन मुझे आए यहाँ घंटा होने वाला है, कबूतर इनके 5वां दिन है 6वां दिन और ऊपर खड़े हुए हैं, तेज खुली हुई नीचे, और बहुत ज़बरदस्त परवास दे रहे हैं कबूतर। आजी साहब आप शौक से बिल्कुल कट गए थे, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों को जो मुझे देखा है। हाँ बिल्कुल शौक से कटा हुआ था, काफ़ी दूर था, कुछ काम के भी मसले मसाइल थे, तो मौका फिर से मिल गया, लॉकडाउन हो गया और कारोबार बंद है, तो सोचा चलो शौक ही करते हैं इसी। शौक में भी ये है कि कबूतर निकाले हुए, दोबारा से टाइम पास कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है, कबूतर भी अभी तक साथ दे रहे हैं। कबूतर निकाले हैं तकरीबन माशाल्लाह 7 दिन हो गए, कबूतर निकाले नरों के चोटी पड़क के, और नर माशाल्लाह हो गए, अभी कुछ कबूतर बैठे हैं और तकरीबन 16-17 कबूतर अभी बोल रहे हैं। आज हमारे अर्दिल अजीज दोस्त, हमारे भाई सब भी हमारे साथ मौजूद है, वीडियो बना रहे, साल पहले आए थे इसी छत में और 1 साल के बाद आज दोबारा आए, हमारे साथ गैदरिंग कर रहे हैं। अयूब चचा भी बैठे हुए हैं, हबीब कादरी बैठे हैं, माशाल्लाह चैंपियन ऑफ कराची भी हमारे साथ मौजूद है, और इस छत में सारी मेहनत इसी की है, हम लोगों का खाली नाम है, सीधी बात है, मेहनत सब इसी की है, दिन रात लगा रहता है यहाँ पर कबूतरों के साथ, अपना काम धंधा छोड़ा हुआ है, उन शौक में लगा हुआ है मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। और तमाम दोस्तों को जो उड़ाने वाले शौकीन हैं सबको बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सब मेहनत करो, शौक अच्छा होगा और फाइट करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अजय साहब आप कबूतरों का शौक भी करवाएंगे भाइयों को? हाँ
हाँ बिल्कुल करवाते हैं। और भाइयों इस साल माशाल्लाह एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, हाजी साहब का इंशाल्लाह इस बार हैट्रिक का चांस है, सही है हाजी? 2018 की भी चैंपियन यही छत बनी थी, 2019 की भी यही चैंपियन छत बनी थी, इस साल इंशाल्लाह हैट्रिक का चांस है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस बार हैट्रिक होगी। जैसे कबूतर माशाल्लाह तैयारी है और मेहनत जारी है। और हमारे अयूब भाई, अयूब भाई आप भी इस छत पे होते हैं आसिफ भाई के लिए, उनकी मेहनत के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो हाजी आसिफ और हबीब कादरी की मेहनत है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जैसी मेहनत जारी रही सन 2020 की हैट्रिक और चैंपियन हाजी आसिफ हबीब कादरी हो गए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ, काफ़ी उम्मीद है और मैं इसको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह पाक ने चाह इंशाल्लाह हबीब कादरी ही ट्रॉफी उठाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह भाई अयूब भाई की दुआएं देखें, उन्होंने एडवांस मुबारकबाद दे दी क्योंकि इनकी मेहनत सामने है। और हमारे भाई हबीब भाई जो बिल्कुल गुमसुम रहते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा प्यारा बोलते हैं, अब इनकी तरह आपको लेके चलता हूँ जी हबीब भाई। भाई बड़ी बात से तौबा है, बाकी मेहनत हर भाई करता है और हमने भी मेहनत की है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। और बस कबूतर निकाले हैं आज, चौथी पड़क के कबूतर उड़ रहे हैं, नरों की फील्ड है, बाकी टाइम पास हो रहा है। बाकी मेरी दुआ है यार, जो भी मेहनत करे अल्लाह उसको इसका सिला दे, इज्जत दे, और मेहनत करें अल्लाह इज्जत देने वाला है। बाकी बेस्ट ऑफ लक और मज़ा आएगा इस बार, अच्छी चैंपियनशिप उड़ेगी, बड़े टक्कर के पिंजरे सुनने में आ रहे हैं हमारे यूनाइटेड ग्रुप में। बाकी अल्लाह मालिक है, अगर तारीखें एक हुई तो फिर हम हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे, उस बारे में भी आपस में मशावरत करेंगे इंशाल्लाह। तैयारी तो है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम स्वागत भाई, क्या हाल है स्वागत भाई? ये आज जहाँ मैं मौजूद हूँ ये माशाल्लाह कराची की चैंपियन छत है, 3 साल लगातार चैंपियन बनी है, 1 साल बीच में गैप आ गया था और इस साल इनका हैट्रिक है। आज इंशाल्लाह इनके परिंदों का भी शौक करवाऊँगा क्योंकि ये चैंपियन परिंदे तो इसका शौक सब करें, क्योंकि जब चैंपियन परिंदे इंसान शौक करता है तो सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलता है। ये कराची का अगर टॉप 3 जाल देखे जाएं बड़े तो उन जालों में इस जाल का शुमार होता है, सबसे बड़ा जाल है लो फ्लायर का। कराची में शायद ही कोई इतना बड़ा जाल किसी ने बनाया हो लो फ्लायर कबूतरों के लिए। ये अभी आपको ऊपर से वीडियो दिखाता हूँ मामा, ये थोड़ा है बैलेंस, ये चला सही है, चल के चल गए मामा, ऊपर नहीं आ रहा नीचे आ रहा सिंगर। अभी भाई क्या बोलना चाहते हैं आप, बोले? मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर साल हम कराची चैंपियनशिप में उड़ाते हैं और मेरा हर बार यही यानी कि मैं तस्करा करता हूं कि जो भी भाई हमारे साथ चैंपियनशिप में उड़ाता है अगर वो आखिरी लास्ट का नंबर भी है तो मेरी नज़र में वो भी चैंपियन है, क्योंकि वो मैदान में उतरता है शेरों की तरह। बाकी हार जीत नसीब का गेम है और खेल का हिस्सा है, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10 तक सुपर 10 जो है ना मेरे लिए सब चैंपियन है और आखिरी वाला मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सब भाई मेहनत करते हैं और अल्लाह इज्जत देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अभी भाई का कहने का मकसद ये है कि हर वो शौकीन जो अपने काम धंधे को सब कुछ छोड़ के कुर्बानियाँ दे के शौक में हिस्सा लेता है वो बंदा भी चैम्पियन है। कबूतर माशाल्लाह एक ही मुकाम पर और बड़े खूबसूरत कुंदे मारते हुए उड़ रहे हैं, बादलों वाला मौसम है कराची में, परिंदे जाते हैं हाइट में तो मोबाइल में नहीं आते। आसिफ आओ परिंदों का शौक करवाते हैं, अबीब भाई आओ। अच्छा अबीब, ये अबीब भाई मादियाँ आप लोगों की बंद होगी ना, नर तो खुले में। इस साल का लास्ट ईयर भी मैंने इस छत का इंटरव्यू किया था और इसके इनके खुड्डे भी दिखाए थे सब भाइयों को। हाँ इन्होंने यहाँ 4 खुड्डे बनाए हैं उड़ने वालों के लिए और बड़ा नफीस सिस्टम है उड़ने वालों का और जोड़ों वालों का। इनका जो ब्रीडिंग सेटअप है वो नीचे है, ये वाला खुड्डा खाली है,
अभी नर बाहर हैं, ये नरों का खाना है, ये जो नर उड़ रहे हैं ये उनका खाना है, और नर सारे जो बैठ चुके हैं वो यहाँ ऊपर हैं। और भाइयों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ग्रुप में अपनी आईडी पे, ताकि शौक आगे बढ़ सके। ये वीडियो मैं सिर्फ आप भाइयों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा बीप भाई, अपनी घर की किंग कबूतरी का शौक कर रहा हूँ, जो आपकी नज़र में उड़ान में किंग है, ताकि जो हमारे भाई हैं शौकीन भाई हैं वो देख सकें कि भाई किंग कबूतरी कराची चैम्पियन आसिफ गुल की कैसी है। उनका परों का शौक करें, पंजों का शौक करें, क्योंकि परिंदा अपना आप खुद बताता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। सब भाई परिंदे की दुम, परिंदे का पर, खोपड़ी, चोंच, एक एक चीज़ नोट करें, क्योंकि ये जो परिंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कराची के चैम्पियन परिंदे हैं। एक साल नहीं, 3 साल चैम्पियन है, और इस साल इंशाल्लाह हैट्रिक है। और इन कबूतरों ने 8 फड़कों में 800 से ऊपर घंटे बनाए 7 कबूतरों से। तो इस परिंदों का शौक करें। ये मादी है, हाँ ये कार्लूसी इसका नाम है, कार्लूसी नाम रखा हुआ है इसका। इनके माशाल्लाह तकरीबन कबूतरों के जो नाम है फुटबॉलर के ऊपर है, कोई रोनाल्डो है कोई कार्लोस है। क्या का नाम है बीप भाई? मेरा डोना है, जे आर है, नेमार है, इस तरह के नाम हाजी आसिफ ने रखे। अच्छा भाइयों, और ये काका भी है, ये इस कबूतरी का कुंदा है, ये समझो नरों के उसमें ये बहन है, इसलिए इसकी मेरा डोनी नाम रख दिया इसका। अब इस कबूतरी का बगल देखें, बगल के बाद शुरू की 3 कलियां देखें, और पूरा कुंदा देखें। ये इस साल नहीं उड़ रही है, लास्ट साल उड़ी है, ये 2 साल से उड़ रही है, या तीसरा साल होगा इसका। अच्छा भाइयों, ये माशाल्लाह 2 साल से मादी उड़ रही है इनके पास। और ये कब तक बैठी है गर्मियों में? ये समझो 123 वाली फड़क में ये थे, सही तकरीबन ये 12 बजे के बाद की इसकी फड़के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन से महीने में? समझो पिछले साल ये अप्रैल था, उससे पिछले साल हार्ट था, समझो वो तो जून जुलाई था, सही मई जून उसमें। इस कबूतरी का, इस कबूतरी का दुम का शौक भी करें, ये इसकी दुम है। ये समझो हमारी शनशान नस्ल है उसका, उसकी ये मादी। पंजे दिखाइएगा, भाइयों जून जुलाई अप्रैल के महीने में रात 12 बजे की फड़कें, बहुत बेमिसाल फड़कें इस कबूतरी की, और सुबह 7 बजे कबूतर यहाँ छूटते हैं माशाल्लाह। एक बार कबूतरी की चोंच और आंखें फिर दिखा दें हबीब भाई। एक और कबूतरी का शौक करवाएं। और दूसरा भाइयों, मैं जो इस छत पे तकरीबन 5-6 बार आ चुका हूँ, और आसिफ गुल से मेरी बात होती रहती है अभी भाई से, जो मुझे इस छत की कामयाबी का राज नज़र आया है ना, इनके पास तकरीबन 2 या 3 नस्ल के कबूतरों के बच्चे हैं, उसके अलावा नहीं है, जिसके अंदर एक गवादरी कबूतर है, एक आगा वाला मैन कबूतर है, और आसिफ और कौन सा कबूतर है? गब्बर, गब्बर हो गई, 3-4 कबूतरों के नस्लें हैं टोटल। गवादरी है, अयूब भाई के घर का हरे पूछ वाला है मैन कबूतर, मतलब 3-4 कबूतरों की नस्लें हैं, बस ये 4 कबूतरों की नस्लें हैं सारी। तो मेरी नज़र में भाइयों कामयाबी का राज है ये कि कबूतरों का पर एक है। बाकी अल्लाह का शुक्र है आज तक हमने कबूतर किसी से खरीदा नहीं है, ये घर की ब्रीड है, जब कटते थे तब भी यही कबूतर थे, जब उनको हमने सेट किया तो अल्लाह ने इज्जत दी। अभी आपने पहले कबूतरी छोड़ी है फहीम भाई, पूछना उसके दुम में कितने पत्ते हैं? 12 के 12 हैं। ये उसी की सगी, ये डबल बिलू इसको कहते हैं हम लोग मादी है, और ये भी समझो उससे हैवी है, ये 1 बजे की बात की फड़के हैं इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भाई कह रहे हैं कि ये जो मादी दूसरी दिखाई थी उससे हैवी कबूतरी है, मतलब उससे अच्छी इसकी फड़के हैं, और रात को 1 बजे के बाद बैठती रही है, सही हो गया। अभी भाई कुंदा दिखा, फहीम भाई बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कामयाबी का राज वो मेहनत है, लेकिन ये भी एक बड़ी राज की बात है कि अगर 1 या 2 जोड़ों के बच्चे बना लिए जाएं
तो वो बड़ा साथ देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक जैसा होता है, उड़ने का स्टाइल एक जैसा होता है और अच्छी परवाजें देते हैं। अगर एक पर के एक ही पर बनाना है तो आपकी जीत है। वो सुल्तान का पट्टी पकड़ो पिछले साल वाला, पकड़ कर मांझो का शौक करें। भाइयों एक चीज़ नोट करने की है, क्योंकि इनके कबूतरों में मैंने एक चीज़ देखी है, दुम भी एक आती है, पर भी एक आता है, पंजे भी तकरीबन एक जैसे आते हैं। ये आप दुम देखें, बहुत लोग हैं, सही हो गया। अभी भाई जो आसिफ भाई कह रहे हैं कबूतरी, वो देखा आसिफ भाई, आप भी अंदर आओ सर, एक मिनट अंदर आओ। ये तो अभी भाई की पसंद की कबूतरी है ना, हाँ आपकी पसंद की भी एक कबूतरी हमें दिखाओ। सारे पसंद ही मेरे बनाई भी सारी माशाल्लाह, ब्रीडिंग की मेहनत तो इन्हीं की है, लेकिन हर छत पे एक दो परिंदे होते हैं बड़े मोस्ट फेवरेट। नर वाली भी शौक करवाते हैं, लेकिन ऊपर खोले में 17 कबूतर उड़ रहे हैं ऊपर माशाल्लाह, अभी भी एक भी नहीं बैठा, जाल खाली है। आजी साहब भी कबूतर आज आपने किस टाइम उड़ाए थे? ये उड़ाए थे आज दिन को तकरीबन 3 बजे उड़ाए थे। और ये कौन सा दिन है इनका? ये आज इनकी चौथी फड़क है, समझ लो साल बाद निकले, एक साल बाद चौथी फड़क है माशाल्लाह। और तकरीबन कब बैठने शुरू हुए कबूतर? तकरीबन 8:15 के बाद ही सारे कबूतर थे, 8 बजे से पहले कोई भी नहीं था, 8:15 के बाद ही सारे। और अभी जाल खुला हुआ था जिस वक्त आप आए थे, और अभी भी बिल्कुल कबूतर उड़ रहे हैं। ये पकड़ो, भाई माशाल्लाह छत पे जब भी आया हूँ, इनके आप खुड्डे चेक करें, सफाई चेक करें, ये देखें एक फिट आपको नहीं मिलेगी, बड़ा सफाई का निज़ाम। अयूब भाई कह रहे कि ये सफाई का ठेका मेरे पास है। अयूब भाई एक अजीमा के पास है, एक मेरे पास। अजीम भी माशाल्लाह बहुत सफाई रखता है, ये देखें आप इनके खुड्डे माशाल्लाह। रोज का दो दवा, एक दाने से पहले एक दाने के बाद। अच्छा दो दवा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी भाई बड़ी। एक दाने से पहले सफाई, ढंग से घर के कबूतर हैं सारे, और ये साल की पट्टी है। ये आसिफ गुल अपने घर की पसंद की अपनी पट्टी दिखा रहा है, हबीब भाई की अपनी। ये इसका का शौक करें, ये इसके पंजे, माशाल्लाह। ये इस साल की समूलों के नया एक जोड़ा लगाया था, ये उसमें से तकरीबन 3 बहनें और 2 भाई, और माशाल्लाह अभी तक रिजल्ट इनका बहुत अच्छा है, बचपन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट था इनका, ये बिल्कुल नया जोड़ा लगाया था। अब एक बार पर फिर दिखाओ अजी साहब, बहुत जल्दबाजी में आपने इस कबूतरी का। सही हो गया, अभी भाई बड़े चुनचुने कबूतर ला रहे हैं भाई। ये मेरे घर का एक मशहूर कबूतर है सुल्तान, ये उसकी बेटी है। फहीम भी आपको लाल चीने भी दिखाते हैं, यहाँ भरे हैं आसिफ गुल के पास माशाल्लाह। ये इसकी आँख है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके पंजे हैं। ये साल की नहीं कबूतरी है? ये पिछले साल की है, बाजू में भी उड़ी हुई है, और इस साल इसके माशाल्लाह तकरीबन 6-7 बहन भाई और भी हैं, वो भी इनके साथ उड़ेंगे। और मज़े की बात बताऊं कि इनका बाप भी उड़ेगा सुल्तान, जो मेरा फेवरेट कबूतर है, और उसको 5वां साल है। अच्छा माशाल्लाह, अभी भी उड़ रहे हैं ये भाइयों माशाल्लाह। ये तकरीबन 6-7 महीने हाजी साहब कबूतरों के बच्चे लेते हैं, और उसके बाद सुल्तान की माँ भी उड़ रही होती है, बाप भी उड़ रहा होता है, और साथ उनके बच्चे भी उड़ रहे होते हैं। और जो सुल्तान का जिक्र कर रहा हूँ, ये उसकी सगी बहन है, और इसका बाप आगा वाला है, जो मेरे घर का मशहूर कबूतर है आगा नुमान डिफेंस वाला, क्योंकि वो उसको जो ना हम हर पल याद रखते हैं, हमारा भाई है वो। बिल्कुल भाई होना भी चाहिए। यह आपकी ये इस कबूतरी की सगी बहन मैंने असद को दी थी, बस बदकिस्मती से वो कबूतरी निकल गई। ये कौन सी वाली है?
अच्छा वाली की ब्रीड है और ये इस साल की पट्टी है, ये और सुल्तान की बहन है। एक बार कुंदा का फिर शौक करवाएं। फहीम भाई क्या बोल रहे, चीने दिखाओ। फहीम भाई कह रहे लाल चीने दिखाओ, लाल चीने दिखाओ। छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल सस्ते पड़ा है ना, छोटा मोबाइल। फहीम भाई लाल चीनों का फैन है भाई, लेकिन फहीम भाई क्या कर रहे हैं आज ही आसफ गुल के पास लाल चीने बहुत है। आप ऑनलाइन हो, मैं आपको वो कबूतरी दिखाता हूँ जो व्हाट्सएप में बड़ा आप लोग ने मशहूर किया था, जिस कबूतरी को अब इसको देख और पहचान ये कौन सी कबूतरी है। फाखरा बलोच ना, फाखरा बलोच है। फहीम भाई लाल चीनी देख लो, कुंदा भी देख लो, ये इस साल से कितने बच्चे खुद भी उड़ रही है, बच्चे भी उड़ रहे हैं इस साल माशाल्लाह। इसके 7 बच्चे हैं, ठीक है, और ये जिस नर के साथ लगी हुई थी वो नर भी उड़ रहा है, खान भी उड़ रहा है, और उसकी बेटी मैं आपको दिखाता हूँ अभी भाई के हाथ में। माएँ भी उड़ रही हैं, भतीजियाँ भी उड़ रही हैं भाई। ये बेटी है, माँ दिखाओ वीडियो में लाओ। ये देखें भाइयों, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फाखरा बलोच मेरी पसंदीदा कबूतरी है इस छत की, और तकरीबन 2-3 साल से उड़ रही है, और इस साल इसके बच्चे भी उड़ेंगे। ये इसकी बेटी है, लेकिन उम्मीद है कि माँ मार के बैठेगी हर लिहाज से बच्चों को। ये दोनों को एक साथ रखना है अभी भाई। भाइयों पट्टी वालों में बड़ा मतलब रेयर कलर है, बहुत कम देखने को मिलता है ये कलर पट्टी वालों में। सही हो गया। जो एक काली चीनी कबूतर आसिफ भाई, वो जो ग्वादरी से, वो नीचे जोड़ में, नहीं नहीं उसकी एक बेटी थी जो आपने मुझे बच्चा दिखाया था, मैंने बड़ा पसंद आया था, ऊपर 12 मुझे बेटी थी। जाल की आयत तो बहुत है माशाल्लाह। कबूतर का असद भाई जिक्र कर रहे हैं, वो कबूतरी मैंने जोड़ में कर दी, ये उसकी सगी बहन है, ये इस साल की है। ये कौन सा ईगल बना दिया आपने छपड़े? हाँ ये जेन्युइन ग्वादरी है। लोग तस्वीरों में बड़ा फेसबुक में डालते हैं, हमने अभी तक कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं किया। ऐसा भी एक बिल्कुल ज़बरदस्त कबूतर बना है माशाल्लाह इस साल। ये ग्वादरी से मादी लगकर चेंज की है। नहीं नहीं वही मार लिया, वो अली बड़े मजबूत कबूतर बच्चे आए हैं भाई। ये भी फाखरा की बहन है, सफेद जबरदस्त काली चोंच। ऐसे कबूतर कम है आपके पास? हाँ जी, ऐसे मेरे पास 4-5 कबूतर। हाँ 4-5 ही हैं, सारे वाइट चोंच कबूतर हैं। ये फाखरा की सगी बहन है, एक पर ब्लू, ये भी 3 साल से उड़ रही है भाई। फाखरा की सगी बहन वाइट में, और एक इसकी सगी बहन अयूब चाचा के पास पड़ी हुई है, एक पर लाल। माशाल्लाह यार, आउट क्लास कुंदा और दुम जसम बाड़ी इस कबूतरी की। अब आसिफ गुल की अगर मेहनत है तो परिंदे भी माशाल्लाह बड़े आउट क्लास बनाए हैं। अच्छा आसिफ भी कबूतर उड़ा रहे हो, इनमें कड़ियाँ ये जो पहनाई हुई ये पहन के उड़ते हैं? निकालते नहीं हो? अच्छा करीब आएंगे ये उतार देंगे। ये इस साल के एक नया जोड़ा ही है, उसके बच्चे हैं, और माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है इसके पर रहे हैं। ये इसके पंजे हैं, ये थोड़ा चौड़ा कुंदा है इसका, औरों से अलग पर है इसका। भैया अंदर दिखाया था एक बार भाइयों, ये मादियाँ कितनी आसिफ? 50 के करीब है। अच्छा माशाल्लाह, 45 तक ना रहे, 50 तक मादिया। दो खानों में ना रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। भाइयों पट्टी वालों में बिल्कुल आपको नायाब कलर दिखाता हूँ। ये चक्कर है अभी भाई, क्या चीज़ दिखा रहा है। तांबड़े कबूतर होते हैं इस तरह के, और
ये सुल्तान के पट्टे की पट्टियाँ हैं, ये तीनों हैं इसी कलर की हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इनका और इंशाल्लाह। ये खटंग कबूतर होते हैं और तांबड़े होते हैं, उनमें से अक्सर ऐसा कलर निकलता है। ज़्यादातर खटंग कबूतर जो है हाई फ्लायर, ये उनमें निकलता है। शक्ल दिखाना इसके हम पे, बड़ा ही खतरनाक कलर बना है। दुम दिखाना, तुम इसकी गोले की दुम बड़ी आंटे के सही हो गया माशाल्लाह। सही भाई, अभी मैं एक लास्ट कबूतरी का शौक करवाओ बस, उसके बाद फिर एक कल इसकी बहन लास्ट कबूतरी परसों। माशाल्लाह माशाल्लाह, रंगीन कबूतर भी इस छत पर मौजूद है, उसी की बहन है। हाँ, बड़ी बहन ये है। अच्छा भाइयों, आप एक चीज़ नोट करें, आपके लिए मैं ला रहा हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कबूतर एक दुम गाओ, एक दुम गाओ, एक दुम गाओ, लेकिन इनके पास मेरे हिसाब से एक दुम का कबूतर एक भी नहीं है। ऐसा ही है अभी भाई? बिल्कुल। ये आप दुमों का साइज़ देखें, स्टाइल देखें, और आपको जो परिंदे दिखा रहा हूँ, कराची चैम्पियन, तीन बार नहीं चार बार ये छत बनी है, और इस साल इस छत का हैट्रिक होगा अगर ये जीतेंगे तो, और हमारी इंशाल्लाह दुआएं इस छत जीते। इन परिंदों का शौक करें, बहुत कम मतलब इस छत का इंटरव्यू हुआ है और परिंदे किसी ने दिखाएं, तक शायद दूसरी बार मैं ही दिखा रहा हूँ इस छत के परिंदे। एक फिदा भाई है, वो कह रहा है कि आसिफ भाई अल्लाह दाद को पहचानते हो भाई? मैं सेवन शरीफ वाले को बिल्कुल जानता हूँ, मैं हाल ही में गया भी था सेवन शरीफ, अल्लाह दाद मुझे मिला था, हमारे साथ था, और उस्ताद मुस्तफ़ा बाबा पटवाले का शागिर्द है वो, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। फ़ायद है अच्छा, शरीफ है, सबको मैं जानता हूँ। मैं बीच में इनके प्रोग्राम में सेवन शरीफ गया था, वहाँ पर इनका प्रोग्राम भी अटेंड किया था। मासिम भाई, ये छत कराची में लियारी में ये छत उड़ रही है, और चौक न्याजी चौक पे ये छत वाकई है। बिल्कुल आप चौक पे आओगे तो ये छत आपको दिख जाएगी, इनके परिंदे उड़ते हुए दिख जाएंगे, ये लोगों की बैठक है। और आप चौक पे आओगे न्याजी, बस आप आसिफ गुल का नाम लेना, आप घर पे ला कर छोड़ेंगे, क्योंकि माशाल्लाह सारे यहाँ तकरीबन शौकीन हैं। जब कबूतर इनके उड़ते हैं तो ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है शौकीनों से, इन्हें कबूतर देख रहे होते हैं। क्योंकि कहीं बार ऐसा हुआ है कि कराची के सारों का कबूतर बैठ गए छत, कबूतर उड़ रहे होते थे, तो फिर सारे यहाँ पर आते थे। ये भी देखें माशाल्लाह, इनके परिंदे उड़ रहे हैं। पंद्रह कबूतर तकरीबन उड़ रही हैं, बादलों वाला मौसम है जिसकी वजह दिख नहीं रहा है। एक बार शोक करवा देता हूँ, ये सेटअप इनका। ये इनकी बैठक है, मुनसिफ वहाँ बैठता है, मुनसिफ के लिए पूरा इंतज़ाम किया हुआ है पर्दे का, और ये जगह बनाई हुई है, और नीचे इनका ब्रीडिंग सेटअप है। हाजी साहब, ज़रा आखिरी पैगाम दो, आप स्क्रीन से बिल्कुल शार्ट थे, और अभी हम तो समझ आप शौक नहीं उड़ाओगे। हाँ नहीं, ऐसी कोई खैर कोई बात नहीं, अपने काम की मसरूफियात में फंसा हुआ था, और काम पहले वही, शौक बाद में। दूसरी बात ये है कि 6-7 साल हो गए ऐसा कबूतरबाजी में लगे हुए थे कि काम की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दिया था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अपने काम धंधे को दोबारा से संभाला है। बस ये है कि एक मौका मिल गया था, सुनहरी मौका, कि लॉकडाउन हो गया, उस वजह से कारोबार सारे बंद हो गए थे, तो सोचा चलो बस अभी बैठे हुए फारिग तो टाइम पास ही करते हैं, अब निकालें कबूतर तो शौक कर रहे हैं। बाकी
अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है इंशाल्लाह। मेहनत हम अपने तरीके से पूरी कर रहे हैं। मैं हूँ कादरी है, अयूब चाचा हमारे साथ है, और भी दोस्त है, शागिर्द है मेरे, अली भाई आ रहा है, मेरा शागिर्द है पीछे गली में, खुरुम है, ये सारे जो है मेरे छत का एक हिस्सा है जो मेरे साथ मेहनत करते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह इसको जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले भाइयों अभी दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपको परिंदे दिखाए, फिर एक और छत से किसी और भाई की है उस्ताद की कराची की अच्छी छत से इंशाल्लाह लाया पाऊँगा, आपको उनके परिंदे भी दिखाऊँगा, क्योंकि फाइटिंग तो होती है, जीतता एक ही बंदा है और काफ़ी लोग फाइट भी करते हैं, उनके परिंदे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी मेहनत भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह तब तक के लिए दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।